बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज़ अब्दुल रहमान, हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई सीरीज़ के साथ जिसका टॉपिक होने वाला है हाउ टू लर्न उर्दू। जैसा कि आप सब जानते हैं, उर्दू इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन अराउंड द वर्ल्ड। उर्दू ज़ुबान बोलने में हिंदी की तरह और लिखने में अरबी की तरह लगती है। इसके हर एक हरूफ की बनावट बहुत ही खूबसूरत है, जो आपके एहसासों और जज्बातों को बहुत इज्जत के साथ दूसरे के सामने पेश करती है। इस वजह से उर्दू को दुनिया की रिस्पेक्टफुल लैंग्वेजेस में नंबर वन पर काउंट किया जाता है। यही वजह है कि आप जब किसी उर्दू जुबान बोलने वाले इंसान को सुनते हो, तब आपके दिल को बहुत ही राहत महसूस होती है। हो सकता है कि आपको उर्दू सीखने का शौक किसी मशहूर शायर से आया हो, या उर्दू गज़लें, उर्दू शायरी, उर्दू पोइट्री से आपको उर्दू सीखने का जज्बा मिला हो। वैसे उर्दू दुनिया की मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज के अंदर काउंट होती है। उर्दू के मुकाबले अंग्रेज़ी सीखना, चाइनीज़ सीखना, जापनीज़ और जर्मन लैंग्वेज सीखना ज़्यादा आसान है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हम उर्दू को इतना आसानी तरीके से सीखेंगे कि आपको किसी तरीके की मुश्किल नहीं आएगी। उर्दू लैंग्वेज के अंदर टोटल 38 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हरूफ़ तहजी कहा जाता है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि दुनिया की हर एक लैंग्वेज लेफ्ट हैंड से शुरू होती है और राइट हैंड पे ख़त्म होती है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट हैंड पे ख़त्म होती है। तो चलिए उर्दू के हर एक हरूफ की बनावट और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन को विद एग्जांपल समझते हैं। उर्दू का पहला हरूफ है अलिफ। अलिफ उर्दू के अंदर आ साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलिफ से अनार। दूसरा हरूफ है बे। बे उर्दू के अंदर बा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बे से बकरी। तीसरा हरूफ है पे। पे उर्दू के अंदर पा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पे से पतंग। चौथा हरूफ है ते। ते उर्दू के अंदर ता साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ते से तितली। पांचवा हरूफ है टे। टे उर्दू के अंदर टा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टे से टमाटर। छठा हरूफ है से। से उर्दू के अंदर सा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। से समर। अगला हरूफ है जीम। जीम उर्दू के अंदर जा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जीम से जग। अगला हरूफ है चे। चे उर्दू के अंदर चा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चे से चिड़िया। अगला हरूफ है। है उर्दू के अंदर हा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। है से हलवाई। अगला हरूफ है खे। खे उर्दू के अंदर खा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। खे से खरगोश। अगला हरूफ है दाल। दाल उर्दू के अंदर दा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दाल से दवात। अगला हरूफ है डाल। डाल उर्दू के अंदर डा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डाल से डमरू। अगला हरूफ है जाल। जाल उर्दू के अंदर जा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जाल से ज़खीरा। अगला हरूफ है रे। रे उर्दू के अंदर रा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रा से रबड़। अगला हरूफ है ड़े। ड़े दूसरे हरूफों के साथ मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सड़क। अगला हरूफ है ज़े। ज़े उर्दू के अंदर ज़ा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़े से ज़ेवर। अगला हरूफ है जे। जे उर्दू के अंदर जा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन 98% उर्दू के अंदर इस हरूफ का कोई यूज़ नहीं होता। जे से जाल। अगला हरूफ है सीन। सीन उर्दू के अंदर सा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सीन से सेब। अगला हरूफ है शीन। शीन उर्दू के अंदर शा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। शीन से शेर। अगला हरूफ है स्वाद। स्वाद उर्दू के अंदर सा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। स्वाद से साबुन। अगला हरूफ है ज़ाद।
ज़ुआद उर्दू के अंदर ज़ा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ज़ुआद से ज़ईफ़। अगला हर्फ है तोए। तोए उर्दू के अंदर ता साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तोए से तोता। अगला हर्फ है ज़ोए। ज़ोए उर्दू के अंदर ज़ा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ज़ोए से ज़र्फ। अगला हर्फ है आयन। आयन उर्दू के अंदर ए साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। आयन से ऐनक। अगला हर्फ है गैन। गैन उर्दू के अंदर ग़ा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। गैन से गुब्बारा। अगला हर्फ है फे। फे उर्दू के अंदर फा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। फे से फवारा। अगला हर्फ है काफ। काफ उर्दू के अंदर का साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। काफ से कैची। अगला हर्फ है काफ। काफ उर्दू के अंदर का साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। काफ से कबूतर। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि इन दोनों को ही काफ बोला जाता है, तो पहले वाले को हलक से बोला जाता है काफ काफ, और दूसरे वाले को नॉर्मल बोला जाता है काफ काफ। अगला हर्फ है गाफ। गाफ उर्दू के अंदर गा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। गाफ से गुलाब। अगला हर्फ है लाम। लाम उर्दू के अंदर ला साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाम से लट्टू। अगला हर्फ है मीम। मीम उर्दू के अंदर मा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीम से मछली। अगला हर्फ है नून। नून उर्दू के अंदर ना साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नून से नारियल। अगला हर्फ है वाव। वाव उर्दू के अंदर वा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वाव से वर्दी। अगला हर्फ है हे। हे उर्दू के अंदर हा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हे से हाथी। अगला हर्फ है दो चश्मी है। इसको भी उर्दू के अंदर हा साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उर्दू के अंदर कुछ भारी अल्फाजों की आवाज़ निकालने के लिए है दो चश्मी का यूज़ होता है, जैसे था। अगला हर्फ है हमज़ा। हमज़ा उर्दू का सबसे इंटरेस्टिंग लेटर है, क्योंकि ये तब यूज़ होता है जब दो वोवल्स साथ आते हैं, जैसे भाई। भाई के अंदर आखिर के दो शब्द अलिफ और ये दोनों वोवल्स हैं, और दोनों जब साथ आते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन को अलग करने के लिए हमज़ा का यूज़ होता है। हमज़ा कभी भी अल्फाज के शुरू और अल्फाज के आखिर में नहीं आता, ये हमेशा दूसरे हर्फ के ऊपर यूज़ होता है। अगला हर्फ है छोटिए। छोटिए उर्दू के अंदर या और ई दोनों साउंड यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे या से यक। अगला हर्फ है बड़िए। बड़िए उर्दू के अंदर या और ए दोनों तरह के साउंड यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बेटे लड़के। तो ये थे उर्दू के टोटल 38 लेटर्स जिन्हें हर्फ तहजी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड आल्सो सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल चैनल शज़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।